दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल का कीबोर्ड कैसे चेंज कर सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे मोबाइल में ये कीबोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट है। तो अभी मेरे को इस कीबोर्ड को चेंज करना है, यहाँ पे दूसरा कीबोर्ड लाना है। तो आज मैं आपको यही बताऊँगा कि आप कीबोर्ड कैसे बदल सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है मेरे फ़ोन में सेटिंग ऐप, मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। तो आप सेटिंग को ओपन करेंगे, तो जैसे आप सेटिंग को ओपन करते हो उसके बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है थोड़ा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग का। ओके, तो दोस्तों ये है एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन। तो आप नीचे आएंगे, ढूंढेंगे, आपको मिलेगा, आप इस पर टच करेंगे। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज इनपुट का, या फिर यहाँ पे लिखा होगा कीबोर्ड, क्योंकि सभी के फ़ोन में सेटिंग अलग अलग होती हैं। तो आप इसमें ढूंढ लेंगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज इनपुट या फिर कीबोर्ड लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तो ये दोस्तों ऊपर ही मेरे फोन में लैंग्वेज इनपुट का ऑप्शन है, मैं इस पर टच कर देता हूं। तो जैसे आप टच कर देते हो यहां पे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा और यहां पे लिखा होगा करंट कीबोर्ड। और अगर आपको ऐसा पेज यहां से ना मिले तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। तो आप सेटिंग को ओपन करना, डायरेक्टली आपको ऊपर एक सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा, आप सर्च पे टच कर देना। यहाँ पे आप टाइप कर देना कीबोर्ड और यहाँ पे आप सर्च कर देना, और जैसे आप सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको वही ऑप्शन लैंग्वेज इनपुट मिल जाएगा। तो आप टच कर देना तो आप यहाँ पे आ जाओगे, है ना। तो मैंने आपको दो तरीका बता दिया, किसी ना किसी तरीके से आपको इस पेज पे आ जाना है। ओके, और देखो अब यहाँ पे आपको करना क्या है। देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा करंट कीबोर्ड का। ओके, तो दोस्तों ये है करंट कीबोर्ड का ऑप्शन, आपको इस पर टच करना है। चलिए मैं टच करता हूँ। जैसे आप टच कर देते हो यहाँ पे आपके फ़ोन में जितने भी कीबोर्ड होंगे यहाँ पे आपको मिलेंगे, और यहाँ पे जो सिलेक्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, इसी के साथ साथ नीचे सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा चूज कीबोर्ड का ऑप्शन, ये है, आप इस पर टच करेंगे। और यहाँ पे आपके फ़ोन में जो भी कीबोर्ड इंस्टॉल करे होंगे आपने, या फिर जो साथ में होते हैं सभी होंगे, तो अगर कोई बंद है तो आप इसको यहाँ पे ऑन कर देना, मेरे में ऑलरेडी ऑन ही है। ओके, तो जस्ट मैंने आपको बता दिया। तो अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपके फ़ोन में जितने भी कीबोर्ड होंगे सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे अगर आपने किसी कीबोर्ड को इंस्टॉल करा होगा वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा, और यहाँ पे जो भी सिलेक्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको दिखेगा। जैसे कि मेरे में यहाँ पे इंग्लिश इंडिक लैंग्वेज कीबोर्ड मेरे में सिलेक्ट है, तो अभी मेरे को चेंज करके दूसरा लगाना है। टोटल कीबोर्ड मेरे में 4 है, यहाँ पे जी बोर्ड, इंग्लिश इंडिक लैंग्वेज, स्विफ्ट की कीबोर्ड, टाल्क बैक कीबोर्ड, तो इतनी कीबोर्ड है। तो अब मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ कीबोर्ड, तो चलिए मैं चेंज करता हूँ। तो आपके फ़ोन में जो भी कीबोर्ड यहाँ पे होते हैं आप जो चेंज करके लगाना चाहते हो कीबोर्ड, उस पर आप टच कर देना। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे शिफ्ट की कीबोर्ड को अब लगाता हूँ चेंज करके। तो मैं शिफ्ट की कीबोर्ड पे टच कर देता हूँ, आप टच करेंगे। जैसे आप क्लिक कर देते हो यहाँ पे करंट कीबोर्ड में वो यहाँ पे नेम दिखेगा शिफ्ट की कीबोर्ड, और अभी कीबोर्ड आपके फ़ोन का चेंज हो जाएगा। तो बस आपको इतना काम करना है, आपको सिंपल बैक चले आना है। चलिए मैं आपको चेक करा देता हूँ कि मेरे फ़ोन का जो कीबोर्ड है वो चेंज हुआ या नहीं। तो मैं जस्ट गूगल को ओपन करता हूँ, टाइपिंग पेज पे आता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे फ़ोन का जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, हमने अपने फ़ोन का कीबोर्ड चेंज कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से आप कीबोर्ड अपने फ़ोन का बदल सकते हो। इसी के साथ साथ आप करंट कीबोर्ड पे दोबारा पे क्लिक करेंगे, तो मान लीजिए आपने कीबोर्ड चेंज किया, फिर से आपको कीबोर्ड और लगाना है दूसरा किसी और कीबोर्ड को, तो सेम वही प्रोसेस है। अब मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए अब मैं टाल्क बैक कीबोर्ड को लगा देता हूँ, मैं इस पर टच करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे नेक्स्ट कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कीबोर्ड फिर से चेंज हो गया। ओके, अगर अभी यहाँ पे ये जैसे वाइट है, आपको डार्क मोड करना है, तो आपको एक छोटा सा सेटिंग का आइकन दिखेगा यहाँ पे, आप इस पर टच करना, थीम में आना और यहाँ पे ब्लैक को सिलेक्ट कर लेना और अप्लाई पे क्लिक करना। जस्ट बैक आएंगे तो ये भी ब्लैक हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे जो भी कीबोर्ड आपके फ़ोन में मिलते हैं आप चेंज करके जो कीबोर्ड लगाना चाहते हो उस कीबोर्ड को आप यहाँ पे लगा सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड चेंज कर सकते हो, अपने मनपसंद का कीबोर्ड लगा सकते हो। वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।